एक पिस्टल 9 mm रेटा और 2 मैगजीन। इस तरह 48 पिस्टल्स अलग अलग तरह के फॉरेन मेड रिकवर हुए। और इसके संबंध में हमने SSOC पुलिस स्टेशन में FIR लॉन्च करी है अंडर सेक्शन 13, 17, 18, 18B, 20 अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट और 120B IPC और 25 आर्म्स एक्ट पुलिस स्टेशन SSOC अमृतसर में। इसके संबंध में हमने एक एक्यूज को अरेस्ट किया जिसका नाम है जगजीत सिंह। जगजीत सिंह की उम्र तकरीबन 25 साल है और ये पुरिया कला पुलिस स्टेशन सदर बटाली का रहने वाला है। इसने जब प्रिलिमिनरी हमने इंट्रोगेशन करी है उसने बताया कि उसका कांटेक्ट एक दमनजोत एलियस दर्मन कालो ये US में है और इसका जो विलेज है दर्मनजोत का ये तलवंडी खुमान है। तलवंडी खुमान जो पुलिस स्टेशन कथुनंगल में है। तो दर्मनजोत का विलेज और जगजीत का विलेज ये तकरीबन आसपास ही है। इसने अपने इंट्रोगेशन में बताया कि जगजीत ये पहले दुबई रह चुका था 2017 से लेकर दिसंबर 2020 तक और ये दिसंबर 2020 में वापस आया। यहाँ जब पंजाब में था तब भी ये दर्मनजोत के कांटेक्ट में था और जब ये दुबई गया तब भी ये उसके कांटेक्ट में रहा है। जब ये उसके कांटेक्ट में आया तो उसने बताया कि तू कथुनंगल एरिया में जाके वहाँ से कुछ आपको मिलेगा कंसाइनमेंट, वो कंसाइनमेंट ले आओ। तो ये कल वहाँ पे चलेगा शाम को। हमारे पास बड़ी स्पेसिफिक इंटेलिजेंस थी और उसके बेसिस पे हमने वहाँ पे नाका लेट किया। इसमें स्पेशली मैं मेंशन करना चाहूँगा हमारे AIG SSOC मिस्टर उपिंदर गुमन, इनके सुपरविजन में DSP अरविंदर ने वहाँ पे नाका लगाया और हमें ये कामयाबी मिली। इसने फर्दर बताया कि ये जो वेपन्स हैं ये बताया दर्मनजोत ने कि इसने कहीं कंसील करके रखना है और जब ज़रूरत पड़ेगी इसको यूज़ करना है। इसका फर्दर प्लान अभी तक पता नहीं चला है क्योंकि अभी इसको अरेस्ट किया, अभी कोर्ट में प्रोड्यूस करेंगे और उसके बाद जब रिमांड पे आएगा तो फर्दर इसमें क्या प्लानिंग थी इसके बारे में पता लगेगा। जो दर्मन कालो है जो बाहर है US में, ये पता लगा है कि इसके संबंध कुछ बैंड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैं उसके साथ हैं जिनके मेंबर्स कनाडा में, US में, UK में हैं, पाकिस्तान में हैं और इसने सारा प्लान किया था। और अभी इंट्रोगेशन में फर्दर इसकी प्लानिंग क्या थी इसके बारे में पता लगेगा। दर्मनजोत ये कुछ साल से US में है। इसने बटाला से एक गैंगस्टर जिसका नाम हरविंदर मन्नू है इसको छुड़ाने की कोशिश करी थी और 2017 में इसके खिलाफ बटाला में पर्चा हुआ था। अभी दर्मनजोत एक PO है बटाला से। उसी तरह अभी रिसेंटली हमने SSOC अमृतसर में एक FIR करी थी 2020 में जिसपे हमने 10 लोग अरेस्ट किए थे और उनके पास से 7 वेपन्स बरामद किए थे। कुछ दिन पहले उसी FIR में इसका नाम फिगर हुआ था कि इस वेपन्स की जो फंडिंग है वो दर्मनजोत ने करी थी और ये जो वेपन्स है ये MP से आए थे। इसका मतलब ये हुआ कि दर्मनजोत के कांटेक्ट MP के जो वेपन सप्लायर्स हैं उनके साथ भी है। तो उस केस में हम दर्मनजोत को फॉलो कर रहे थे और फॉलो करते करते अभी हम इस केस में भी इसको फिगर आउट कर लिया है और हमारी अभी कोशिश रहेगी कि मतलब इसको फर्दर लीगल
कार्रवाई आगे ले जाते हुए इसके खिलाफ इसको वापस लाने की कोशिश करेंगे। ये बताना चाहूँगा कि मेरे साथ मेरे ADGP काउंटर इंटेलिजेंस और ओकू मिस्टर अमित प्रसाद बैठे हैं। ये पहले IG CI थे और हम प्रमोशन अभी ADGP CI और ओकू है। पिछले 4 साल में हमारे टीम ने, मिस्टर अमित ने काफ़ी अच्छा काम किया और ये बताना चाहूँगा कि पिछले 4 साल में हमने 44 टेरर मॉड्यूल्स बस किए और 283 टेररिस्ट हमने अरेस्ट किए, जिसमें कि 21 राइफल्स, 163 रिवॉल्वर पिस्टल, 38 ग्रेनेड्स, 10 ड्रोन्स, 2 वॉकी-टॉकी सेट्स और 1 KG RDX हमने बरामद किए। तो ये काफ़ी एक अचीवमेंट है CI का और हमारी टीम काफ़ी स्ट्रांगली इसमें काम कर रही है और आगे जो तफ्तीश आएगी तो उसके अकॉर्डिंगली फिर आपको फर्दर ब्रीफ किया जाएगा। इसमें ये बता रहा आपने इंट्रोगेशन में कि किसी ने इसको वहाँ पे हैंडओवर किया कथनगल एरिया में और जब हम वहाँ पे थे तो उस वक़्त वो जो फर्दर जिसने इसको हैंडओवर किया था वो वहाँ से निकल चुका था। अभी हम इसको अरेस्ट कर चुका है। जिसने इसको हैंडओवर किया कंसाइनमेंट उसके बारे में हम तफ्तीश जारी है। हमने बहुत सारी टीम्स इसके बारे में भेज चुके हैं और होपफुली इसको अरेस्ट करेंगे। या इसमें एमुनेशन मिला है, एमुनेशन मिला है। ये जिगाना के हैं 45 राउंड्स, 34 स्टार मार्क पिस्टल के है 148 राउंड्स। सर इसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है? और बाकी मैगजीन्स हैं। सर इसको आपने कहा कि इसको इस्तेमाल करने के लिए रखना कहाँ था इसे और स्पेसिफिक उनसे बताया होगा कहाँ रखना, किसको आगे देना था? और ये देखिए इसने 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 कंसाइनमेंट लेके अभी रखा ही था तो हमारे पास में इनपुट था कि वो अरेस्ट हो गया। सर गाड़ी तो कहीं लेके जानी थी, बताया होगा कि नहीं? नहीं अभी उसकी तफ्तीश चल रही है, फर्दर जब इंट्रोगेशन चलेगी उसके बाद पता लगेगा। सर बड़ी बात कुछ कर सकते हैं, कुछ प्लान कर रहे थे जो कोई बड़ी बात? अभी ये देखिए इसके बारे में कुछ बोलना भी ठीक नहीं रहेगा। सर इसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है? इसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड अभी तक नहीं है। सर मान लिया जाए अब ये जो गैंगस्टर बाहर से ऑपरेट कर रहे हैं, जो भी आपने कहा ये संपर्क काफी लोगों के साथ है और अब वो उन लोगों को इस्तेमाल कर रहे हैं जिनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है इस तरह की कंसाइनमेंट आने के लिए, आप इस तरह की किस पे आप काम कर रहे हैं? ये सामने यही आ रही है ना? यस सर, मेरा क्वेश्चन है कि आप बोल रहे हैं गैंगस्टर हैं या टेररिस्ट एक्टिविटी है या अनलॉफुल अभी 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 तक क्या है? या अनलॉफुल एक्टिविटीज के अंडर ये पर्चा रजिस्टर हुआ, इसका मतलब हमें रिलायबल इनपुट है कि धर्मन ज्योत के संबंध जो बैंड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थे उनके साथ में। अभी देखिए इस वक्त इसके बारे में कुछ बोलना ठीक नहीं रहेगा जब तक कि हम दूसरा एक्यूज ना पकड़े। सर जो ये जो वेपन है इससे पहले जो जम्मू से तोड़े गए थे वेपन पंजाब से गए थे उसकी भी जो एक्टिविटी थी वो कथनगल एरिया में थी, जो राजस्थान में वारदात हुई थी उसमें भी कथनगल का जिक्र हुआ था, तो जहाँ पे क्या लगता है कि जहाँ पे कौन से लोग जो इस तरह लगातार फोकस करें जहाँ से ऐसी एक्टिविटी जो है लगातार हो रही है? देखिए पंजाब पुलिस बहुत सिंसियरली काम कर रही है इस तरफ और जितने बार भी पहले अटेम्प्ट हुए हैं वो सारे अटेम्प्ट हमने फाइल किए हैं और हर एक केस में हमारी पुलिस ने, लोकल पुलिस ने, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने, हमारी SSOC ने काफ़ी अच्छा काम किया, CI ने काफ़ी अच्छा काम किया। सर कथनगल से जो बटाला रोड करता है कश्मीर तक है तो जम्मू कश्मीर के जो आतंकवादी इनके साथ भी रिलेशन हो सकता है? ये देखिए अभी ना इस मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन खालिस्तान का एंगल, देखो मैंने कहा कि धर्मन ज्योत के संबंध कुछ बैंड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन में है तो कुछ भी हो सकता है। जो जगतार बुनर मारा गया है उसके साथ इनके संबंध है?
ये देखिए ये तो अभी नहीं बोल सकते सर। इसका रिमांड लेंगे क्या? रिमांड आठ दिन का ओके रिमांड लिया है, एक हफ्ते का रिमांड लिया हुआ है, एक हफ्ते का